তুই সে না ফোন চক কোনে কিছু নি কে হুয়া अगले ब्लॉग की शुरुआत वहीं से की है जहाँ से मैंने पिछला ब्लॉग छोड़ा था। तो पिताजी पहुँच गए घर पर। आ जा पंक रोटी लग रहा है। ठीक है पिता आ जाओ। तू कौन मान डर बेंगा बेंगा छोटू लग लो की पीड़ भाई आप तुझे सो जाएगा ये लग जाएगा सही जा रहा है पहले था सो जाओ क्या वो क्या खाई थी कि इन्हें मुझे दवाई लाए थी फिर मकई लग गया यार मोग जा मोग आराम से दीजिए जी ओके खेला नहीं बोले सो जाओ तो यार ना अपन पहले बैठा होगा हाँ यार भी मैं बोले पहले डालो जी के बजे से सो जाए जो मैं तेरे नहीं कुबले नहीं थले तब दरे तलवा थरूने आना बिग नमस्ते पाइए ठीक है सर खुद तेरे दर पता नहीं लगे नहीं यार ना 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 ठीक है ना क्या रहा हूँ ये बे ठीक है ना हाँ हाँ जम्मू ਇਹਨਾਂ ਕੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਇਹ ਮਦਰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਕਿ ਨਾ ਕਿਤੇ ਉਤਰ ਗਏ ਫਿਰ ਤੇ ਵਾਲੇ ਚਮਾਕੜੀ ਪੋਲ ਉਤਰਨਾ ਤੇ ਲੜਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਚਮਾਕੜੀ ਪੋਲ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਚਮਾਕੜੀ ਪੋਲ ਆ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸੇ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਤਨ ਘਾੜੀ ਘਾੜ ਵੀ ਆ ਘਾੜੀ ਘਾੜ ਨੂੰ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਰੋਟਾ ਫਿਰ ਘਾੜੀ ਘਾੜ ਆ ਫਿਰ ਨਮੋਲ ਆ ਫਿਰ ਬ੍ਰਹਮਪੁਖਰ ਮੇਨ ਮੇਨ ਸਟੇਸ਼ਨ ਹੈ ਵੀ ਚੰਚਕ ਮਤਲਬ 15 20 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਨਾ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਅਦ छे दिन चले गए मिले एक दिन होना कहते गए होंगे बड़े तक संतरी लाई भाई बरखा पूरी तो दिस भर के बंद हुई गई पैसे देने तो दोबारा दे दिया आप फिर ना तो आया आया था कि मेरी पाथ थी पर सी है हां खाली दिखा हूं ये बस वही में ठेर गाड़ी गिर के लड़के ना आई है हां सच गद हो रहा ऊपर भी हां बर खदो ते ना ना इसको भी खाली भाई क्या लेके जाना है ना कहां गई का ताणी मेरा बचना का बनाई पहले अरे चांद भी नहीं मिला और तबीयत धूरी खराब जाए जो देख के मार कौन से जन रोटी बनानी तो सब मैं ले मुझे मार उतरी है ना बाट्टा भी ऐसे पापा भी नहीं आओ कल लंदन तो मावे ले ना होना मंजूर के दे थी जाए तो कौन पे दुलान भी ले आए थे ना ऐसे दुलाने दे तो नहीं असिस्ट हो गया दे एसी सिस्टम है ना आदि ना एक बार टेम्परेचर सेट कर देना कोई आप भी यार सेट आ भी यार सेट हो जाना जैसे अपने आप फेनी उसका टेंशन आने लिया हो बाहर नहीं बाली अंदर नहीं तो शाम को 8:30 बजे पहुंच गए थे घर पर।
पिता जी और मेरे छोटे भाई। तो अब दूसरा दिन है, नाश्ता वगैरह हो गया है और ये दोनों जने कर रहे हैं काउ सेट की देख रेख किस तरह का बना हुआ है। और मैं आपको आसपास का व्यू दिखा लेती हूँ और जो भी शाम की अपडेट थी मैंने आपको दे दी है। तो अभी बारिश भी लगने वाली है और इस तरफ से ना अभी थोड़ी देर पहले पत्थर की गड़गड़ाहट सुनाई दे रही थी, पता नहीं कितने कितने पत्थर आए। तो बारिश भी स्टार्ट हो गई है और इन दोनों की लगी हुई आपस में बातचीत। और मैं चलती हूँ नीचे बरामदे में, बरामदे में पिताजी बैठे हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं अपने गांव की भाषा में, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता कब साथ छोड़। पिछले गाँव देना पत्थर रे आज तान तो ऊपर 5 फुट चुनाना और भी था क्या बोले बता गाड़ रही पिछे तो आज हमारे ना लाइट नहीं है और पिताजी के लिए मैंने मूंगी मलका की दाल बनाई है, बाकी हमने बनाई है आलू गोभी की सब्जी। पर किचन में ना कुछ दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि आज लाइट ही नहीं है। और मैं पानी रख लेती हूँ बाहर और दाल भी मेरी हो ही चुकी है। ये ना ज्यादा उबल गई है, तो अब मैं दे देती हूँ पिताजी के लिए खाना और फिर उसके बाद सभी खाएंगे। अभी सभी अपने अपने कमरे में फोन चला रहे हैं। इतने छाड़ो आऊँ इतने प्लेट और पानी ना, नहीं तो ये खिंडी जाना गिलास। रोटी मैंने खिला दी थी और दवाई देने का पता छोटे भाई को ये कि किस तरह से देनी है। ये छोटी जी तो शाम को लेट भी पहुंचे थे और थके हुए भी थे। अभी छोटा भाई देख रहा है कि दवाइयाँ ना किस किस तरह से देनी है और कब कब देनी है। तो सभी लोग खाना खाकर यहाँ पे बैठे हुए हैं। आप भी अपने माँ बाप का खूब सारा ध्यान रखा करें क्योंकि ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं होता कब साथ छोड़ देती है। और आज कब लोग यहीं करता। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।